गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस 4 को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला कुछ साइड में लिख दिया गया है कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर ए इंटू बी होता है। ये फॉर्मूला है। इसका मतलब कि महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जब दिया रहता है तो कभी कभी हमको कभी महत्तम समावर्तक दिया रहता, लघुत्तम समावर्तक दिया रहता और एक पहली संख्या दिया रहता, तो दूसरी संख्या निकालने की बात होती है, तो इस इक्वेशन पर निकाल सकते हैं। कभी पहली संख्या पूछा जा सकता है, कभी दूसरी संख्या पूछा जा सकता है, कभी एलसीएम ही पूछ सकता है इस सूत्र के द्वारा कि एलसीएम निकालिए इसका, तो कभी एलसीएम निकालने का भी पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ पर सूत्र को लिख दिया गया है। एलसीएम ऑफ ए बी कोई भी संख्या, दो संख्या का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई एचसीएफ, यही दो संख्या ए और बी जो भी आए। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला है। इसी में से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, जिसमें आपको निकालना है एलसीएम कितना का, 306 और 657 का ज्ञात करना है, जिसमें आपका HCF जो इस दोनों संख्या का HCF दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले लिखते हैं, जो दिया हुआ होता है वो पहले लिख देते हैं, लिख देंगे प्रश्न से क्या दिया, HCF ऑफ कितना, 306.657 बराबर दे दिया 9। ये दिया हुआ, प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम सूत्र से क्या जानते हैं, सूत्र से देखिए, सूत्र यही है, HCF लिखते हैं यहीं से, सूत्र से HCF और A और B के स्थान पर संख्या दे दिया है ये, तो लिख सकते हैं 306.657। फिर देखिए इनटू LCM है, LCM फिर AB के स्थान पर यही अंक होगा 306.657, ठीक है। और इसके बाद दे दिया ए गुने बी, तो एक ए ये है, बी ये है, ये है, तो कितना हो जाएगा 306.657। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए गौर करने की बात ये है इसमें कि ये आपका HCF 306 और 657 का दे दिया है आपको, ये 9 दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते क्या 9 इंटू, और इसको ऐसे ही उतारते हैं, लिख देंगे LCM कितना कितना 306.657 बराबर, इसको एक बार वैसे ही लिख देते हैं 306 गुना 657। अब हमको निकालना किसका मान, इसका मान लिख सकते हैं, इसीलिए LCM ठीक है, LCM कितना कितना का 306.657 बराबर के बाद पहले तो ये है ही, लिख देते हैं ऊपर में 306 गुना 657 बाई ये देखिए, ये गुना कर रहा है बराबर के, इधर में उधर जाएगा तो भाग देगा, तो ये 9 से भाग दे देगा, तो कितना आ गया 9 से काट सकते हैं, 9 3 27 3 3 आया, 3 पर 6 36 हो गया, 9 4 36,
यानी 34 में अब 657 से गुना करेंगे तो आएगा 22,338। गुना करेंगे तो आएगा, इस प्रकार से यही आंसर हुआ। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 4 समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।